की सब्जी बनाना दिखाते हैं। ये देखिए आप, हमने न्यूट्रेला उबाल लिए हैं, उबाल करके निचोड़ करके फ्रेश करके इनको रख लिया। अब हम गैस जलाते हैं। इसमें हमने तेल डाल रखा है जिसमें अच्छी तरीके से कलर जाए। आप कम से कम 2 चम्मच तेल डाल लीजिएगा, जैसे इस टाइप में 2 चम्मच तेल डाल लीजिएगा कलहरने के लिए। ये हमने इसके लिए टमाटर काटा हुआ है, महीन महीन चॉप करके रखा। ये इसके लिए मैंने आलू तैयार किए हुए, लेकिन आलू फ्राई नहीं करेंगे। आज हम आपको जो रेसिपी बनाना बता रहे हैं वो बिना लहसुन प्याज की है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में मंगल को, नवरात्र में या किसी ऐसे अवसर पर जब नहीं लहसुन प्याज खाते हैं, तो आपको लोगों की शिकायत रहती है अक्सर करके कि इसमें जब हम न्यूट्रेला डाल देते हैं तो सब्जी का कलर निकल जाता है, सब्जी अच्छी नहीं लगती देखने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आज हम आपको जीरे के साथ में अच्छी सी सब्जी बना के दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कमी रहती है। बट इसमें टमाटर जरूर यूज करेंगे। अब हम इसमें जीरा डालते हैं। जीरा के बाद में थोड़ी सी हींग डालते हैं। अब इसमें हम इस गैस धीमी कर देंगे। हल्दी अपने अकॉर्डिंग, धनिया अपने अकॉर्डिंग और लाल मिर्च अपने आप अकॉर्डिंग डालिए। और इसके बाद में आप टमाटर डाल दीजिए। आप गैस जला दीजिए। इसे अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी गैस पर पकने देते हैं इसकी ग्रेवी को। और जब तक ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको न्यूट्रेला को फ्राई कर लेते हैं। यदि आपको हमारी बनाई हुई सब्जी पसंद आती है, आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्रोत्साहन की हमको जरूरत है, आपके प्रोत्साहन से ही हमारा आगे का वीडियो तैयार करने में हिम्मत बढ़ेगी। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लीजिए। देखिए, हमने रेड कलर लाने के लिए इसमें कोई भी कलर, फूड कलर नहीं यूज किया है, लेकिन हम आपको एक बात बताएंगे, इसमें ऑयल की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने ऑयल की कमी कर दी तो फिर आपकी सब्जी का कलर डल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हम इसको किस तरीके से भून कर तैयार कर रहे हैं। अभी हमने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज आप हमारी हिम्मत बढ़ाइए। और आपको हमेशा नई नई चीजें नए तरीके से बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर डालेंगे। खाने की चटनी की आप देखिएगा, तो जो अभी हम तैयारी शुरू किए हैं सब अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए आप, ग्रेवी तैयार हो रही है। इसमें आप इसमें नमक भी डाल दीजिए, जो भी टमाटर का पीस रह जाएगा वो भी गल जाएगा। जब तक ये तैयार हो रहा है
डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए इसी ग्रेवी में। दो तीन मिनट तक आप इसको इसी तरीके से फुल आंच पर आप देख सकते हैं अपना मेथी पुलाव भी तैयार हो गया है। आप अब इसकी गैस बंद कर दीजिए। किचन किंग मसाला हाफ टी स्पून, आपको ठीक से इसको भून लीजिए। इस तरीके से आप हमारे दो तीन मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। देखिए प्लीज, ये देखिए आप। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक कुकर लेते हैं, इसी कुकर में न्यूट्रिला डाल देंगे। आलू की बनी हुई रेसिपी जो है इसको भी इसी में इसका ग्रेवी डालते हैं। क्योंकि इसका इसी में टेस्ट ज्यादा आएगा। अब इसको आप कढ़ाई हटा दीजिए यहां से। गैस ऑन कर दीजिए। देखिए आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा रसा पसंद करते हैं कैसा नहीं। अब इसके लिए तो हम नहीं आपसे कहेंगे कि आप पानी ज्यादा या कम कीजिए, लेकिन हाँ इतना पानी कीजिएगा कि इसका थोड़ा सा रसा अलग थोड़ा रहे। क्योंकि अगर रसा अलग नहीं रहेगा तो इसकी जो बाइंडिंग है बंधा बंधा सा लगेगा, देखने में भी नहीं और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं लगता। इसलिए आप ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको होना चाहिए। इसको बंद कर दीजिए। 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ये अब हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। देखिए आप इसका कलर देखिए, कहीं भी डल नहीं हुआ है। आप लोग अच्छी तरीके से तेल और टमाटर का यूज करेंगी और ठीक से फ्राई करेंगी तो फिर आपको ये कभी कलर इसका डल नहीं पड़ेगा सब्जी का। और आप चाहे तो डायरेक्ट कुकर में भी बना सकती हैं। मैंने कढ़ाइया में बना के दिखाई दी, कढ़ाई का जैसे थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसी तरीके से आप कुकर में भी थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन आपको सब फ्राई होके अच्छे से बन जाएगा। आपने देखा मेरी सब्जी कैसी लगी आप।